जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर किस चीज़ से मिलकर बना है। इसमें बोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, दोनों बोल सकते हैं। एक डिवाइस भी है, मशीन भी है। ठीक है, बड़ा लेवल पर मशीन कहेगा, छोटा लेवल पर है डिवाइस, लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, मोबाइल हुआ, ये सब कंप्यूटर का ही नया नया अपग्रेड जनरेशन है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो मेन क्या है उसको जानेंगे। सबसे पहले है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड कौन सा है, कैसा होता है, देखिए मदरबोर्ड। सबसे पहले देखिए ये मदरबोर्ड है। ठीक है, ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। सबसे बेस्ट कंपनी मदरबोर्ड में आता है गीगाबाइट्स। ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। ठीक है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है देखिए। सबसे पहले देखिए ये रैम का स्लॉट है, यहाँ रैम लगता है, यहाँ सीपीयू लगता है। ठीक है, ये साउथ ब्रिज है, देखिए ये साउथ ब्रिज है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ सीमोस बैटरी लगता है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो डेट टाइम सेट करते हैं, जो डेट टाइम सेट करने के बाद वो बार बार सेट करना पड़ता है, ये बैटरी ख़त्म हो जाता है। इसका पीछे में देखिए, बैक साइड में ये माउस कीबोर्ड कला है। ठीक है, PS2 पहले जो माउस लगता था पहले का है, अभी लेटेस्ट USB सिस्टम आ गया है। देखिए ये हेडफोन या होम थिएटर के लिए जैक लगा सकते हैं, एक माइक इन एक आउट है। ठीक है, माइक्रोफोन यूज करने के लिए। देखिए इसको VGA केबल बोलते हैं, मॉनिटर में कनेक्ट होता है। इसमें HDMI पोर्ट नहीं है, पुराना मदरबोर्ड है। ठीक है, इसमें ये साटा पोर्ट है। ठीक है, ये ID पोर्ट है, ये आपका SMPS से जो आता है ATX 24 पिन का, ये है, ये 4 पिन का है, ये 24 पिन का है। एक्स्ट्रा सप्लाई है, देखिए ये DDR3 मदरबोर्ड है, इसमें AMD का प्रोसेसर लगेगा। और रैम का जो फ्रीक्वेंसी है 1666 रैम का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मॉडल नंबर यहाँ दिया हुआ है, देखिए GigaByte M68 मदरबोर्ड DDR3 है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो कंप्यूटर जो ऑन होता है, ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से रीसेट का, देखिए जो रेड कलर का है ये पावर का है, जो ग्रीन देख रहे हैं ये रीस्टार्ट का है, एक LED है, और आपका HD है, ये स्पीकर का है, जो मदरबोर्ड ट्रिप है, मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट है, रैम फॉल्ट है, कुछ भी फॉल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक कार्ड लगा के यहाँ चेक किया जाता है। ठीक है, अब इसमें इसको इसके बाद क्या आता है, मदरबोर्ड होगा, मदरबोर्ड के बाद क्या आता है, फर्स्ट मदरबोर्ड होगा, दूसरा चीज़ क्या आता है, CPU आता है, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट बोलते हैं। देखिए AMD का CPU है, देखिए, ठीक है, ये CPU है। ठीक है, एक PGA CPU है। ठीक है, इसमें पिन है, देखिए AMD का है। ठीक है, ये 2008 का CPU है। ठीक है, AMD का, ये AMD Phenom है। ठीक है, इसका मेड इन जर्मनी मलेशिया का है, देखिए लिखा हुआ है। मदरबोर्ड के बाद दूसरा है CPU। ठीक है, तो इसको CPU यहाँ पे लगाएंगे, देखिए CPU कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में देखिए एरर दिया हुआ है, ठीक है, बल दिया हुआ है कॉर्नर का। ठीक है, बैठ गया CPU। ठीक है, CPU लगाने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसको लॉक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसमें रैम आता है, देखिए DDR3 रैम है। ठीक है, देखिए ये G1 कंपनी का है, DDR3 4GB रैम है। ठीक है, देखिए G1 का भी DDR3 4GB रैम है, इसमें 8GB सपोर्टेड है, चार चार करके लगाएंगे, 8GB सपोर्टेड है। तो इसमें रैम लगाएंगे, रैम लगाने के देखिए कैसे रैम लगाते हैं, देखिए देखिए तो रैम लगाने के लिए देखिए रैम का ये जो यहाँ देख रहे कटा हुआ, देखिए ये बीच में आना चाहिए, रैम ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा तो रैम जल जाएगा। देखिए ऐसे नहीं लगेगा, यहाँ पे आएगा, देखिए इसको रैम को यहाँ लगाना है। ठीक है, इसको लगा के यहाँ पुश कर देना है, देखिए ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। देखिए सेम ऐसे भी लगेगा, देखिए देखिए इसको पुश करेंगे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। देखिए रैम लग गया, CPU लग गया, रैम लग गया। ठीक है, इसके बाद इसमें CMOS बैटरी आता है, देखिए एक कम्प्लीट मदरबोर्ड हो गया, यानी CPU के साथ हो गया। इसके बाद आता है इसको कूलिंग करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक फ़ैन लगता है, तो फैन ऐसे डायरेक्ट फैन, देखिए ये फ़ैन है, ये CPU फ़ैन है, ये फ़ैन डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसमें हीटसिंक कंपाउंड आता है, हीटिंग पेस्ट आता है, जो
इसको कूलिंग करता है, ठीक है। अगर ये कूलिंग नहीं करेगा तो बार बार कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये पेस्ट है, ये पेस्ट को यहाँ लगाएंगे, देखिए देखिए हल्का पेस्ट लेंगे, ठीक है, देखिए पेस्ट लेंगे हल्का, ठीक है, ये पेस्ट को यहाँ पे लगा देना है, देखिए ये मैं हल्का लगा रहा हूँ, मैं वीडियो में आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, इसमें लगाना है पेस्ट हल्का, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा करके लगाना है बट मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, और इसमें लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे लॉक कर देना है, देखिए यहाँ पे लॉक कर देना है, देखिए इसको यहाँ पे लॉक कर देना है, और इस फैन को कनेक्शन यहाँ से इसका सप्लाई रहेगा, देखिए इसको लगाने के बाद, ठीक है, इसको लगाने के बाद इसको रख के इसको लॉक कर देना है, यहाँ पे रख के इसको लॉक कर देना, देखिए देखिए लॉक हो गया, देखिए हो गया बोर्ड, ये मदरबोर्ड रेडी हो गया। यानी मदरबोर्ड में क्या क्या लगेगा, रैम लगेगा, सीपीयू लगेगा, सीपीयू फैन लगेगा और सीमस बैटरी लगेगा, मदरबोर्ड कंप्लीट हो गया। नया जब मदरबोर्ड की निकल वो कैसे नहीं रहेगा, इसमें सब अलग अलग पार्ट्स रहता है, रैम का अलग रहेगा, रैम अलग से लेना पड़ेगा, सीपीयू फैन, फैन सीपीयू फैन और ये सीमस सब अलग अलग लेना पड़ेगा, सिर्फ मदरबोर्ड अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मदरबोर्ड का ये डब्बा है, ये इसका डब्बा नहीं है, ये भी गीगाबाइट का डब्बा है बट ये लेटेस्ट मदरबोर्ड का डब्बा है, ठीक है। तो इस मदरबोर्ड में आपको सिर्फ ओनली खाली मदरबोर्ड रहेगा, इसमें पैकिंग रहेगा, ठीक है। तो मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, मदरबोर्ड हो गया, देखिए ये मदरबोर्ड हो गया। इसके बाद क्या आता है, हार्ड डिस्क आएगा, देखिए ये हार्ड डिस्क है, देखिए ये 500 GB है, सीगेट कंपनी का हार्ड डिस्क 500 GB है, ये पहले चलता था अब नहीं चलता, ये हार्ड डिस्क लगेगा, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये हार्ड डिस्क है, देखिए ये थोड़ा नया है, ये बढ़िया है, वो ख़राब हो गया है, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब बार बार रिस्टार्ट हो जा रहा है उससे, देखिए हार्ड डिस्क है। यानी जो कंप्यूटर का जो मोबाइल का जो मेमोरी देखते हैं ब्लैक कलर का छोटा रहता है, ये कंप्यूटर का देखिए मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइस यही HDD जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ है HDD हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस, ये सीगेट कंपनी का है, ठीक है। कंप्यूटर में डेस्कटॉप में ये अधिकतर ये पाया जाता है, पहले का अभी नहीं, अभी देखिए। और लैपटॉप का हार्ड डिस्क कैसा होता है, देखिए ये लैपटॉप का हार्ड डिस्क है, छोटा हार्ड डिस्क रहता है, कंप्यूटर में बड़ा हार्ड डिस्क रहता है, देखिए लेकिन दोनों सेम है, देखिए इसका जो साटा और पावर केबल लगेगा, देखिए पावर का है, पावर सप्लाई, देखिए पावर सप्लाई है, ये साटा है, देखिए ये दोनों का सेम साइज है। यानी ये जो लैपटॉप का हार्ड डिस्क है इसको कंप्यूटर में हम लगा सकते हैं, ये कंप्यूटर का लैपटॉप में इसको नहीं लगा सकते, क्यों, ये साइज बड़ा है, लगेगा नहीं, ये साइज छोटा है। और अभी जो SSD आ गया है, स्पीड जो कंप्यूटर में लैपटॉप में लगाने से बढ़ जा रहा है, वो SSD इस साइज का आया है, देखिए आपको SSD भी हम दिखा रहे हैं, देखिए देखिए इसको मार्केट में लगवा, अभी इसका 2500 रुपये मार्केट में रेट है, देखिए इसका 5 ईयर का गारंटी भी दिया हुआ है इसमें, देखिए। यानी कंप्यूटर या लैपटॉप में हार्ड इससे बेटर ये है, हार्ड डिस्क से बेटर SSD है, इसको लगाने से कंप्यूटर में स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या आता है, देखिए बोर्ड प्रोसेसर रैम हार्ड डिस्क हो गया, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कीबोर्ड और माउस, देखिए ये वायरलेस कीबोर्ड है, ठीक है ये वायरलेस कीबोर्ड है, देखिए देखिए वायर वाला कीबोर्ड ऐसा होता है, देखिए कीबोर्ड आएगा, उसके बाद माउस आएगा, देखिए ये माउस। यानी एक कंप्यूटर को नया कंप्यूटर सेटअप करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगेगा, देखिए ये माउस एसर कंपनी की USB माउस है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसको कैसे असेंबल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, देखिए बोर्ड प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क हो गया, माउस कीबोर्ड हो गया, इसके बाद इसको लिए पावर सप्लाई चाहिए, देखिए ये जेब्रोनिक्स का पावर सप्लाई है 450 वाट का, देखिए यहाँ सप्लाई देंगे, ठीक है 230 वोल्ट AC सप्लाई है 450 वाट का है, और ये मदरबोर्ड में जाएगा, ये जो देख रहे हैं 24 पिन का, ये मदरबोर्ड में यहाँ पे लगता है, देखिए ये मदरबोर्ड में यहाँ पे लगेगा 24 पिन, और ये जो 4 पिन का दिख रहे हैं ये वाला लगेगा, देखिए नेक्स्ट वीडियो में इसको असेंबल करके दिखाएंगे, ऑन करके दिखाएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
देखिए SMPS हो गया। इसके बाद से आपका आता है मॉनिटर। देखिए ये AOC का मॉनिटर है। देखिए यहाँ VGA केबल है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा। ये पावर सप्लाई है, यहाँ पे पावर केबल देंगे। ये LCD मॉनिटर है AOC कंपनी का। इसके बाद जो साटा केबल लगेगा, देखिए साटा केबल है। ये मदरबोर्ड से SSD में डाटा जो जाएगा ट्रांसफ़र, इससे जाएगा साटा केबल। और जो पावर सप्लाई देंगे, देखिए इससे देंगे ये पावर सप्लाई। इसके बाद से मदरबोर्ड से जो मॉनिटर में जो कनेक्ट जाएगा, ये VGA केबल है, ये मदरबोर्ड से इसमें कनेक्ट होगा। ये पावर कोड है, दो पावर कोड लगेगा, एक मॉनिटर के लिए एक SMPS के लिए। ये पावर कोड है। इसके बाद आएगा आपका होम थिएटर या स्पीकर बोलिए, क्योंकि मॉनिटर में स्पीकर रहता नहीं। इसके बाद स्पीकर आएगा, देखिए स्पीकर है, देखिए स्पीकर आएगा या होम थिएटर बोलिए तो स्पीकर बोलिए साउंड के लिए। इसमें मॉनिटर में स्पीकर रहता नहीं है, ठीक है। यानी इतना कंपोनेंट आपको लगेगा एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। क्या क्या लगेगा? माउस कीबोर्ड लगेगा, सबसे पहले माउस कीबोर्ड ले लीजिए। बोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, SMPS, स्पीकर, एक कैबिनेट लगेगा। इसको सारे को कैबिनेट में डाल के इसको नेक्स्ट वीडियो में कैबिनेट में डालेंगे। अब इसको आपको समझाने के लिए कैबिनेट से बाहर किया, यानी एक कंप्यूटर का। उसके बाद एक बोर्ड लगेगा, एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें पावर सप्लाई दीजिएगा। देखिए इसमें पावर सप्लाई आएगा, इससे कनेक्ट करके कंप्यूटर को ऑन कीजिएगा। यानी एक कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए अगर खुद को असेंबल करना चाहें खुद से, तो इतना कंपोनेंट लगेगा असेंबल करने के लिए। कंप्यूटर इतना पार्ट्स रहेगा, कंप्यूटर असेंबल हो जाएगा। इसके बाद क्या रहेगा? इसके बाद सॉफ्टवेयर लगेगा। देखिए सॉफ्टवेयर तो LCD पहले कैसेट में आता था, अब पेन ड्राइव में आने लगा है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर भी दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी है। देखिए विंडो 10 प्रो, देखिए सारे सॉफ्टवेयर है। यानी इतना रेडी करने के बाद सॉफ्टवेयर डालने के लिए इससे सॉफ्टवेयर पे होगा। देखिए सॉफ्टवेयर का पेन ड्राइव है। यानी एक कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए क्या क्या पार्ट्स लगेगा, क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा, सारे चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है।